हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल, वॉर्म होल और पैरेलल यूनिवर्स कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जितना अधिक जाना जाए, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन विषयों के बारे में कई किस्से और कहानियाँ भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है जिसके प्रमाण आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ये कहानी है लेरिना गार्सिया की, जो एक स्पेनिश वूमेन थी जिसकी जिंदगी में एक अविश्वसनीय घटना घटित हुई जो बेहद विस्मयकारी और विचित्र थी। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 16 जुलाई 2008 की सुबह लेरिना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बेडशीट का कलर वो नहीं है जो पिछली रात सोने से पहले था। लेरिना को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि रात को सोने से पहले बेडशीट और पिलो कवर्स अलग थे और सुबह बिल्कुल अलग। पर इस बात को अपना वहम मानकर लेरिना बिस्तर से उठी और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। वो पिछले 20 सालों से एक ही कंपनी में कार्यरत थी। लेरिना तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकली। उसकी कार वहीं थी जहां वो रोज पार्क करती थी। लेरिना किसी सामान्य दिन की तरह ही अपने ऑफिस के लिए निकली, लेकिन उसके दिमाग में बार बार सुबह हुई उस विचित्र घटना का ख्याल घूम रहा था। उस बेडशीट वाली घटना के अलावा अभी तक सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन जब लेरिना ऑफिस पहुंची तो उसने पाया कि उसके कैबिन के डोर पर किसी और ही व्यक्ति का नाम लिखा था जिसे लेरिना बिल्कुल नहीं जानती थी। लेरिना को लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक किया जा रहा है या फिर उनकी कंपनी ने उनके लिए कोई बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। लेरिना के कोवर्कर भी ऐसे ही बर्ताव कर रहे थे मानो वो लेरिना को पहचानते ही ना हो। उसे कुछ शंका हुई। उसने तुरंत अपने लैपटॉप को कंपनी के वाईफाई से कनेक्ट किया। कंपनी की एम्प्लॉय लिस्ट देखी तो पाया कि वो उस कंपनी के एक दूसरे ही डिपार्टमेंट में किसी दूसरे मैनेजर के अंतर्गत काम कर रही है। ये वही डिपार्टमेंट था जिसमें लेरिना ने कुछ साल पहले काम करने से इनकार कर दिया था। लेरिना ये देखकर बेहद हैरान और परेशान हो उठी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर सुबह से उसके साथ ऐसी विचित्र घटनाएं क्यों हो रही थी? लेरिना बेहद कंफ्यूज थी। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, वर्क आईडी सब कुछ चेक किया। सभी चीज़ों में दी गई इन्फॉर्मेशन सही थी। वही एड्रेस, वही नाम, वही फोटो, कुछ भी अलग नहीं था। उसे शंका हुई कि शायद उन्हें कुछ हो गया है और शायद वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है। वो तुरंत एक डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ने सभी चेकअप करके यही बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और उनके शरीर में किसी भी प्रकार के ड्रग या अल्कोहल के होने की भी कोई संभावना नहीं है। लेरिना को यह शंका हुई कि शायद वो एमनीशिया यानी भूलने की बीमारी की चपेट में आ गई हैं और इसी वजह से वो कुछ चीज़ें भूल गई हैं। उसने अपने मेल्स और न्यूज़पेपर को चेक किया तो पाया कि वो सब भी बिल्कुल सामान्य था, बिल्कुल एक रात पहले जैसा। तो आखिर लेरिना को ये अनुभूतियाँ क्यों हो रही थी? लेरिना ने 4 महीने पहले ही अपने 7 साल के बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया था और अब वो अपने नए बॉयफ्रेंड ऑगस्टिन के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने ऑगस्टिन को फ़ोन मिलाया, लेकिन वो कॉल किसी अज्ञात व्यक्ति ने पिक किया और लेरिना से कहा कि वो व्यक्ति सालों से ही इस नंबर को इस्तेमाल कर रहा है। वो किसी भी ऑगस्टिन नाम के इंसान को नहीं जानता। यह सुनकर लेरिना के होश उड़ गए। भला ऐसा कैसे हो सकता था कि जिस नंबर पर लेरिना पिछले 4 महीने से ऑगस्टिन से बात कर रही थी, महज एक दिन बाद वो नंबर किसी और के पास चला गया। लेरिना अब बुरी तरह से डरी हुई और परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसने कई बार ऑगस्टिन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ऑगस्टिन का कुछ पता नहीं चला। मानो कि जैसे ऑगस्टिन कभी वजूद में था ही नहीं। इन सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए लेरिना अपनी फैमिली से मिलने चली गई। वहाँ भी लेरिना को सब कुछ सामान्य लगा। उसकी फैमिली के सभी लोग लेरिना से सामान्य तरह ही बर्ताव कर रहे थे। उसने अपनी छोटी बहन से पूछा कि अब उसे कंधे के ऑपरेशन के बाद कैसा महसूस हो रहा है। लेरिना के इस सवाल ने उसकी फैमिली को दंग कर दिया। वो सभी हैरान थे क्योंकि लेरिना की बहन का कभी कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। इसी के साथ उसकी फैमिली को लेरिना के बर्ताव में भी कुछ अजीब बदलाव दिखे।
जिससे उन्हें लगा कि यह वो लेरिना है ही नहीं जिसे वो लोग जानते हैं। लेरिना को अब लगने लगा था कि शायद उन्हें कोई ऐसी मानसिक बीमारी हुई है जिसकी वजह से वह अपनी जिंदगी का कुछ भाग बिल्कुल भूल चुकी है और उसके बदले किसी हेलुसिनेशंस यानी भ्रम ने जगह ले ली है। अगले ही दिन लेरिना को उसके बाथरूम में अपने पहले बॉयफ्रेंड की कुछ चीज़ें जैसे शेविंग किट और उसके कुछ पर्सनल सामान मिले जिसे लेरिना ब्रेकअप के बाद घर से बाहर फेंक चुकी थी। अपने पुराने बॉयफ्रेंड की उन सभी चीज़ों को वापस घर में पाकर लेरिना को यह एहसास हुआ कि शायद उन दोनों का ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं था। लेरिना ने लगातार 2 दिन तक इंटरनेट पर अपने हालात के बारे में रिसर्च की और तब लेरिना को एहसास हुआ कि वो जिस दुनिया में रह रही है वो उसकी असली दुनिया है ही नहीं। लेरिना किसी दूसरे आयाम यानी पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया जिसे हम असली पृथ्वी मानते हैं में आ गई थी। लेरिना को अपने सभी सवालों के जवाब मिलने लगे। लेरिना को उन सभी अनुभूतियों का कारण भी समझ आने लगा। लेरिना दरअसल किसी पैरेलल यूनिवर्स की वासी थी और हमारी दुनिया में आ गई थी जहाँ काफ़ी कुछ वैसा ही था जैसा पैरेलल यूनिवर्स में था, लेकिन हमारी दुनिया की लेरिना द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की वजह से ये छोटे छोटे बदलाव आ गए थे। जैसे लेरिना की कंपनी में उनकी अलग डिपार्टमेंट में जॉब करना, अपने पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप ना करना आदि। इसके अलावा दोनों लेरिना की जिंदगी लगभग एक ही जैसी थी। इसका मतलब ये था कि पैरेलल यूनिवर्स से आई एक लड़की हमारी दुनिया में आकर फंस गई थी। उसे यहाँ कौन लाया? भला ऐसे कैसे हुआ कि कोई एक रात अपनी दुनिया में सोया हो और अगली सुबह एक दूसरी दुनिया में उठा हो जो कि बिल्कुल पहले जैसी ही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खुद लेरिना भी खोज रही है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर पैरेलल यूनिवर्स की लेरिना हमारी दुनिया में आकर फंस गई है तो हमारी दुनिया वाली लेरिना का क्या हुआ? हमारी दुनिया की लेरिना कहाँ है? आखिर क्या हुआ होगा हमारी लेरिना के साथ? आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें हमेशा की ही तरह कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल फैक्टलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और राय हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री एक नए रहस्य के साथ यहीं इसी दुनिया में।